दोस्तों, मोहनजोदाड़ो नामक शहर आज भी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे वेल प्लान्ड सिटी के रूप में माना जाता है। वैसे तो ये नगर एक लंबे अरसे पहले ध्वस्त हो चुका है और आज के टाइम में यहाँ सिर्फ उस पुराने सुव्यवस्थित शहर के अवशेष ही बचे रह गए हैं। इतना पुराना शहर होने के बावजूद ये इतना सुव्यवस्थित था कि आज इतिहासकार भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने ऐसा शहर कैसे बसा लिया। इसके जैसी नगर व्यवस्था के आसपास हम इतने मॉडर्न होने के बावजूद आज भी नहीं पहुंच पाए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले इस शहर के बारे में ना सुना हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी यकीन ना हो कि ऐसा भी कोई शहर इतिहास में रहा होगा, पर ये पूरी तरह से सच है। कई बार हमारे पूर्वज हमें हैरान करते आए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के हजारों नगर उन्हीं उदाहरणों में से एक है और सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की लिस्ट में शायद अव्वल स्थान पर होगा मोहनजोदाड़ो। आखिर क्या थी इस शहर की खूबियां, आइए जानते हैं इस शहर का पूरा इतिहास हमारे आज के इस वीडियो में। पाकिस्तान के लकराना जिले में स्थित मोहनजोदाड़ो इतिहास में हमारी प्राचीन संस्कृति का गौरव था। यहाँ मिले अवशेषों को देखकर आज भी यह शहर उतना ही जीवंत लगता है जैसा कि शायद सदियों पहले कभी रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो का सही प्रोनंसिएशन है मोहनजोदाड़ो। ये एक सिंधी भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। इस शहर को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व, सुनियोजित और सुव्यवस्थित शहर माना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह शहर 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच फला फूला। यह भी कहा जाता है कि इस समय में इस शहर में दुनिया के सबसे अमीर, समृद्ध, शिक्षित और व्यापारी लोग रहा करते थे। ये नगर कितने बड़े एरिया में फैला हुआ था, इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी इस नगर के अवशेष हमें लगभग 125 हेक्टेयर के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज है यहाँ की ईंटें। इन ईंटों को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप हजारों साल पुराने किसी शहर, जो कि अब खंडर बन चुका है, उसके बीच खड़े हैं, क्योंकि यहाँ की ईंटें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी हम आज हजारों सालों के बाद इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमें इस नगर के अवशेष खोजे हुए भी लगभग एक सदी का समय गुजर गया है, लेकिन आज भी यह शहर हमारे सामने तमाम रहस्यों को लेकर खड़ा हुआ है। बात 1911 की है, जब एक दिन सिंधु नदी के रास्ते यात्रा करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर भंडारकर की नजर एक खंडर पर पड़ी। जब उन्होंने इस जगह का निरीक्षण किया तो उन्हें पता चला कि वहाँ एक बौद्ध स्तूप के अवशेष हैं। उसके बाद यहाँ मिले कुछ सिक्कों के अवशेष को लेकर वो सर जॉन मार्शल के पास गए। मार्शल उस समय इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। उस समय वो हरप्पा का निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने मोहनजोदाड़ो में भी दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद मार्शल ने वहाँ का निरीक्षण किया तो पता चला कि वहाँ और भी प्राचीन अवशेष हो सकते हैं। इसके बाद 1922 में सर आरडी बैनर्जी की निगरानी में मोहनजोदाड़ो में आधिकारिक तौर पर एक्सकेवेशन का काम शुरू हुआ और इस एक्सकेवेशन कार्य के दौरान इतिहासकारों को बड़ी मात्रा में इमारतें, मिट्टी के बर्तन, मेटल की बनी हुई मूर्तियां और उस समय प्रयोग किए जाने वाले सिक्के मिलने लगे। इन अवशेषों के मिलने से यह भी साफ हो गया था कि यहाँ मिलने वाली बिल्डिंग्स, मूर्तियां, सिक्के और बौद्ध स्तूप अलग अलग समय और अलग अलग सभ्यताओं के अवशेष हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि बौद्ध स्तूप को दूसरी शताब्दी के आसपास बनाया गया होगा। वहीं मोहनजोदाड़ो शहर का निर्माण 2600 ईसा पूर्व तक हो गया होगा। इतना पुराना होने के बावजूद इस शहर का ढांचा आज भी इतना मजबूत है, ये बात तो पुरातत्वविदों को भी हैरान करती आई है। हालांकि सिर्फ शहर के ढांचे की मजबूती ही ऐसी चीज नहीं है जो हमें हैरान करती है, बल्कि इस शहर की अन्य खूबियां भी हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट के साथ साथ हमारे भी होश उड़ा देती हैं। इस शहर में बना जल कुंड, जो कि द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है, ये लगभग 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और लगभग 7 फुट गहरा है। इस कुंड में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसके अलावा कुंड के पास 8 स्नान घर भी बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ निरीक्षण से साफ पता चलता है कि इस कुंड को काफी समझदारी से बनवाया गया था। इसमें लगी ईंटें आज भी काफी मजबूत हैं
और तो और बाहर से आने वाले गंदे पानी और इम्प्योरिटीज को रोकने के लिए इसके तल और किनारे पर चूने और चिरोड़ी के बने गारे का भी इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए कुएं और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों से बनी नालियाँ भी बनाई गई हैं। और खास बात यह है कि इन नालियों को पक्की ईंटों से ही ढका गया है। दोस्तों, इस शहर की पहचान इसकी मजबूत ईंटें और ढकी हुई नालियाँ ही है, क्योंकि ऐसा कुछ किसी प्राचीन शहर में पहले कभी नहीं देखा गया है। इसके अलावा इतिहासकार ये भी मानते हैं कि संपूर्ण इतिहास में सिंधु घाटी ही वो सभ्यता थी जहाँ से लोगों ने कुएं खोदकर पानी निकालना सीख लिया था। इसके अलावा यहाँ की बेहतरीन जल प्रणाली, कुएं एवं नालियों को देखते हुए ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग असल मायने में जल अभियंता थे। खुदाई के बाद मिले अवशेषों से ये भी पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती करना और पशु पालना भी सीख चुके थे। यहाँ पर गेहूं, चना, जौ और सरसों की खेती के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ ही दुनिया में सूत के दो सबसे पुराने कपड़ों में से एक के यहीं पर होने के साक्ष्य मिले हैं। इस नगर की सड़कें ग्रिड योजना के तहत बनाई गई थी, जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। ये पूरा का पूरा शहर दो भागों में विभाजित है। इनमें से एक भाग में उस समय नगर के रईस लोग रहा करते थे। इस भाग को रईसों की बस्ती या फिर दुर्ग कहा जाता है। वहीं दूसरा हिस्सा जहां मध्यम वर्ग के लोग रहा करते थे उसे निचला नगर कहा जाता है। दुर्ग वाले हिस्से पर बड़े बड़े मकान, चौड़ी सड़कें और कई सारे कुएं हैं। वहीं निचले भाग में छोटे आकार के मकान और छोटी सड़कें हैं। निचले हिस्से में सड़क के दोनों तरफ घर बने हुए हैं। इन घरों का पिछला हिस्सा सड़क की तरफ है और इनके दरवाजे गलियों में खुलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक म्यूजियम जैसी जगह भी है जहाँ पर बर्तन, मोहरे, वाद्य यंत्र, आभूषण, दिए, औजार, खिलौने आदि रखे हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अनुशासन हथियारों के दम पर नहीं बल्कि बुद्धि के बल पर स्थापित किया गया था। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर औजार तो कई सारे मिले हैं लेकिन हथियार एक भी नहीं, और ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब यहाँ के लोग हथियार का इस्तेमाल करते ही ना हो। यहाँ के लोग कला और सृजन के महत्व को भी अच्छी तरह समझते थे। वो सिर्फ वास्तुकला में निपुण नहीं थे बल्कि मिट्टी के बर्तनों पर बनी इंसानों और जानवरों की आकृतियाँ, धातु की मूर्तियाँ, इसके अलावा चित्रों पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, ये दर्शाती है कि यहाँ के लोग कला के महत्व को भी समझते थे। और ये भी बताती है कि ये लोग सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि कला के मामले में भी काफी आगे थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खासियत उसका सौंदर्य है, जो ये इशारा करता था कि ये किसी भी राजा या फिर धर्म के द्वारा पोषित सभ्यता नहीं थी, वो लोकतंत्र द्वारा पोषित था। यही वजह है कि इस सभ्यता को अपने समय की सबसे उन्नत और पोषित सभ्यता माना जाता है। हालांकि अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब कुछ नहीं जानते। ये सभ्यता इतनी बड़ी है कि इसका उत्खनन करने में ही कितना समय लगेगा, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग एक साल के एक्सकेवेशन कार्य के बाद हम यहाँ का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही खोद पाए हैं। बाकी सभ्यता के साथ साथ उसके गहरे राज आज भी जमीन के अंदर दफन है, जो कब बाहर आएंगे पता नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है और फिलहाल वहाँ की सरकार ने उत्खनन का काम बंद करवा रखा है, और वो कब शुरू होगा पता नहीं। लेकिन दोस्तों, अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता का जो हिस्सा हम डिस्कवर कर पाए हैं वो ही हमारे होश उड़ाने के लिए काफी है। यहाँ कुंड के किनारे स्नान घरों का बना होना अपने आप में ही यूनिक है, क्योंकि ऐसा कुछ तो हम आज तक इतने मॉडर्न और विकसित होने के बावजूद नहीं कर पाए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ जो स्नान घर बने हुए थे उनके दरवाजे एक दूसरे से विपरीत दिशा में खुलते थे। इसके अलावा यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बेमिसाल था, जहाँ गंदे पानी के निकास की पूरी व्यवस्था थी। यहाँ नालियों का ढका होना भी ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग जानते थे कि दूषित जल से बीमारियां पनप सकती हैं। ये शहर पूरी प्लानिंग के साथ बसाया गया था, और सच कहा जाए तो आज की तारीख में भी शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जो इतने सुनियोजित ढंग से बसाया गया हो, और यही बात तो है जो पुरातत्वविदों को हैरान करती है। दोस्तों, इसके अलावा एक आश्चर्यजनक बात ये भी है कि यहाँ के घरों में कुएं भी बने हुए थे, और उन कुओं को भी बाहर की ओर बनाया गया था ताकि यहाँ से गुजरने वाला राहगीर भी प्यासा होने पर उसमें से पानी पी सके।
लेकिन दोस्तों ये विकसित सभ्यता कैसे खत्म हुई इसके बारे में हमें कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। तो दोस्तों ये थी मोहनजोदारो के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस सुनियोजित सभ्यता के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि इतनी विकसित सभ्यता कैसे खत्म हुई होगी? आपको मोहनजोदारो शहर की बातों में से सबसे ज्यादा किसने हैरान किया, ये सब हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। एंड ऐसे ही अन्य रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।